जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान स्वर 24। दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, अगर आपका एडमिशन भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल में बीएड के लिए हुआ है तो जैसे कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, और एग्ज़ाम के डेट आ चुका है तो आज से आपको बुकलेट पेपर होता क्या है, तो जो क्वेश्चन आएगा आपको आंसर लिखना है, वो पेपर डाउनलोड करने के लिए आ चुका है। तो कैसे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, टोटल प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों भाभा यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिफिकेशन आपको अगर जल्दी प्राप्त करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपके स्क्रीन पर ये आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, या फिर आपको लिखना है vavayuniversity.edu.in। ठीक है, वैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या लिखना हुआ है। जैसे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है, वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, क्लिक करते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाइएगा। आने के बाद सबसे पहले ही आपको यहाँ ऊपर में दिखेगा एग्ज़ाम, यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम वो सीख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, वैसे आपको जूमिंग करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाइएगा। आने के बाद जो आपको यूजर नेम मिला हुआ है, यूजर आईडी इसको बोलते हैं, आपको यहाँ पे डाल देना है और अपने पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाइएगा, देखिए यहाँ पर टोटल आपका डिटेल आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ से बुकलेट पेपर को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन में देख लीजिएगा, यहाँ स्टूडेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको आप मोबाइल में खोलना चाहते हैं तो आसानी से खोल सकते हैं, ठीक है, लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ थ्री डॉट जो होता है इस पर क्लिक करके आपको लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, उस पर क्लिक कर लेना है तो कंप्यूटर के जैसे आपके मोबाइल में खुलेगा। ठीक है, आना है यहाँ पर स्टूडेंट में, और नीचे से दो नंबर ऑप्शन देखना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिखना है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। देखिए कुछ पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है जो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए लिखा हुआ कि डाउनलोड क्वेश्चन पेपर, देखिए आपको डाउनलोड क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ आपको 10:45 से लेकर 11:30 के बीच क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। आपको लिखनी है, कितना जल्दी कैसे लिखना है ये आप समझिए। फिर आपको 11:30 से लेकर 14:30 तक आपको हर हालत में अपलोड भी कर लेना है, यानी कि इतना ही आपको टाइम मिलेगा लिख कर अपलोडिंग करने के लिए। तो उसका प्रोसेस तो मैं वीडियो में बताऊंगा ही। ठीक है, अब नीचे आप समझ लीजिए, ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पे आइएगा तो आप लोग को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए अभी ये पेंडिंग बता रहा है, एग्ज़ाम के दिन यहाँ पे आ जाएगा अपलोडिंग करने के लिए। ठीक है, तो वैसे मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए नीचे में आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए वैसे में यहाँ डाउनलोड हो चुका है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ऐसे करके आपको डाउनलोड कर लेना है टोटल पेपर। ठीक है, चलिए ओपन हो जाने देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ओपन हो गया, यहाँ कुछ नहीं करना है, टोटल लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है, आ गया समझ में, टोटल मतलब समझिए कि 20 पेज का है, आपको यहाँ पे लिखनी है, जाकर प्रिंट आउट करा लेना है, टोटल पहले डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल से, या फिर उसके सिस्टम पर डाउनलोड करा के जहाँ पर प्रिंट आउट कराने जाइएगा, और हर एक पेपर को अलग अलग आपको रखनी है। ठीक है, अलग फाइल बना लीजिए या फिर पिंच कर लीजिए, जैसे भी आपको रखना है, और उस दिन आपको कैसे क्या करना है नोटिफिकेशन जल्द ही आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते